शुक्रवार को अहिवारा विधानसभा के भिलाई 3 में चाय पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग लोकसभा सांसद व भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी विजय बघेल ने अपने हाथों से चाय बनाकर लोगों को पिलाया। वहीं इस मौके पर चाय की चुस्कियां लेते हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के भिलाई 3 में चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजन में दुर्ग लोकसभा सांसद व भाजपा के लोकप्रिय प्रत्याशी विजय बघेल ने अपने हाथों से चाय बनाकर लोगों को पिलाया। इस मौके पर चाय की चुस्कियां लेते हुए विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की गई। सांसद प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि असली चुनाव बूथ का है, संगठन की बदौलत ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और हम उस भाजपा से हैं। ऐसे ही असली कार्यकर्ता बूथ में काम करते हैं। भिलाई चिरोदा नगर निगम भाजपा का गढ़ है। पुरानी बातों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी माता सुबह सुबह चाय बनाती थी और सभी विषय पर चर्चा होती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी को अपने मत का उपयोग करना चाहिए। विश्व में शिखर मोदी जी ने देश दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं। हम सभी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। लगातार चाय पे चर्चा चल रही है। आज अहिवारा विधानसभा के इस भिलाई 3 चरौदा नगर निगम में हम लोग हैं। हमारे माननीय विधायक जी कुशेवाड़ा जी हैं, संगठन के सारे लोग हैं, विश्वनाथन जी हैं और अभी अभी कई लोग शामिल हुए, भाई प्रभुनाथ बैठा जी के नेतृत्व में पार्टी, सभी भाई बहन पूरे संगठन मिलकर जनता जनार्दन को यहाँ पे आमंत्रित किए हैं हम लोग। और चाय पे चर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे परिवार में एक परंपरा हुआ करती थी, सुबह सुबह उठते थे, पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पीते थे और बहुत सारी बातें चाय में होती थी सुबह, कि क्या सब्जी बनना है, किसको क्या स्कूल जाना है, किसको पुस्तक की कमी है, ड्यूटी करने वाले कितने बजे जाएंगे, टिफ़िन कितने बजे बनाना है, तो ये बहुत सारी चर्चा थी। खेती बाड़ी करने वाले खेत कितने बजे जाएंगे, उसकी क्या व्यवस्था करना है, हमारी माँ हमारी बहनें सतत इस व्यवस्था में लगे रहती थी और आपसी एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, सुबह सुबह जब फ्रेश मूड में बात होती थी तो परिवार में एकजुटता रहती थी, परिवार में प्रेम था। आज ज़माना बदल गया है, कोई 10 बजे उठ रहा है, कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, ये परंपरा ख़त्म हो। और हमारे माननीय मोदी जी यही कहते हैं, परिवार का जो भाव है वो हमेशा बना रहना चाहिए। तो जैसे वो 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, इस भाव को प्रदर्शित करने वाले हमारे नेता हैं, वही भाव हमेशा हो। और इस दौरान हम अपनी चुनावी चर्चा भी कर लें, इस देश को महान बनाने में और इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करने में जो मोदी जी लगे हुए हैं, उसमें हमारी भी सहभागिता हो, हम भी उसके में एक पुण्य का कोई भागी बने, उस रूप में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किस प्रकार का प्रतिसाद मिल रहा है जनता को? बहुत अच्छा माहौल है और लोगों का अगाध विश्वास भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मोदी क्या कह रहे हैं, भगा रहे हैं, कई जगह भगा दिए, हथखोज में सुना, दो चार जगह उस गांव में जो ना भगो, झूठे बोलने वाले सच्चा का बोलबाला झूठा का मुँह काला करके भगा रहे हैं लोग। मतलब इतनी गांव के लोग भी अब शिक्षित हो गए हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके घर में टीवी है, सब समझदार हो गए हैं। देश के बजट कितना है और ये लोग कितना देने की बात कर रहे हैं, देश का बजट जितना नहीं है उससे 10 गुना देने की बात ये लोग कर रहे हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे। राहुल गांधी तो थोड़ा सठिया गया है, उसके तो दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि पार्टी डूब रही है, डूबती नैया है, तो वो तो विचलित होकर कुछ भी बात करेंगे, बाकी लोग भी विचलित हो गए। मतलब ये क्या अपने राहुल गांधी अपने मामा के घर से इडली लाएंगे कि अपने नाना के घर से लाएंगे इडली, पैसा उसको देंगे लोगों को। पिछले समय 500 देने की बात कहे थे महिलाओं को अपने घोषणा पत्र में 2018 में, ये राज्य के चुनाव विधानसभा में नहीं दिए। 350 को 1000 करेंगे वृद्धा पेंशन को, नहीं किए। 75 साल वाले वृद्धा पेंशन को 1500 देंगे, नहीं दिए। और आज ये बात कर रहे हैं, बरगलाने काम कर रहे हैं, तो लोग समझदार हैं और समझ भी रहे हैं। पूरी पूरी सीट आएगी, 11-11 सीट आएगी। आज की चर्चा में हम लोग बहुत सारी बातें की है। अभी हम लोग हमारा पर्ची बूथ पे पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, जो लोगों तक हमारे कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी संपर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी वो बातें हुई। और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने निर्देश भी दिया, हमारे संचालक ने निर्देश दिया, माननीय विधायक जी ने भी निर्देश दिया, मैंने भी निवेदन किया लोगों से। इस अवसर पर समाज सेवी व ट्रांसपोर्टर रघुनाथ बैठा ने मोदी जी से प्रभावित होकर अपने साथियों के साथ सांसद प्रत्याशी विजय बघेल के समक्ष भाजपा में प्रवेश किया। आज भारतीय जनता पार्टी में मैंने
विजय बघेल जी के विचारों से प्रभावित होकर देश के नेतृत्वकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखते हुए मैं बीजेपी में अपने दल बल के साथ उपस्थित हुआ। और जो प्यार हमें विजय से मिला है, मैं सोचता हूं कि हमें एक कार्यकर्ता के रूप में स्थान मिलेगा। और मैं पार्टी के रीति और नीतियों को देखते हुए कि हर जमीनी स्तर तक इस पार्टी का नज़र है, मैं इसके उदाहरण के लिए मैं एक आपको विचार देना चाहता हूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना जो परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो दिया गया है जो सौगात के रूप में, उसमें 19 जातियों को सम्मिलित किया गया है। BADF एक संगठन है हमारा जिसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ और हमारे आचार्य जी विश्वनाथन जी जिनके 20 साल के अथक प्रयासों से इन्होंने लगातार इस मिशन को सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया और आज उसी का देन है कि आज पीएम विश्वकर्मा योजना जो है लागू हुआ है। तो मैं इनके हमारी एक टीम है BADF का जिसमें पढ़े लिखे लोग हैं और एक सूझबूझ रखने वाले लोग हैं और इस निचले स्तर तक का मान मर्यादा देने वाले जब पीएम विश्वकर्मा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया तो मुझे लगा कि नहीं, जमीनी स्तर तक हमारे प्रधानमंत्री जी का नज़र है, इसलिए उन्हें साथ देना चाहिए। जिस पार्टी में थे आप, अभी आपने पार्टी का काम किया था, उस पार्टी के छोड़ने का कारण क्या है? मैं एक सामाजिक प्राणी के रूप में हूँ, यहाँ भिलाई में स्थापित हूँ। मैंने जैसे हमने ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है हमारा, ट्रांसपोर्ट लाइन से भी मैं जुड़ा हूँ। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ ट्रक ट्रेलर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद मेरा एक उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड का एक संगठन है। इस संगठन को मजबूती के लिए हमने काम किया है, चूँकि ये हम सभी लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि इसमें BJP ही हमारी जो है देश का रक्षा कर सकती है और एकता के सूत्र में पिरोने का काम सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने जो है इस पर आगे बढ़े हैं। ठीक। कार्यक्रम में अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाला सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। ACN न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।